स्वराज इंडिया जैसे आपको विदित है, एक वैकल्पिक राजनीति की बात करती है। वैकल्पिक राजनीति का आज की तारीख में जो भी नेशनल लेवल पर राजनीतिक दल हैं उनमें आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है करते हैं, और साथ में हम जो जिसको हम स्वराज की बात करते हैं उसके रूप में हम खरा उतरें उसके लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या दो दूसरे छह दल जो दूसरे हैं जो राष्ट्रीय लेवल के हैं उनमें पारदर्शिता, उनके जो लेन देन, हमारा जो खर्चा है वो भी पब्लिक डोमेन में है। हम बिल्कुल अपने जो कार्रवाई है, अपना जो कार्यकलाप है उसको पारदर्शी रख के हम आवधि की बात करते हैं। आज जो हमारे सरकार और ना पब्लिक जो है उनको अपनी बात सुना पाती है, तो हमारा जो दल है वो हम लोग जवाबदेह नहीं होती है। तो हम लोग ये कहते हैं कि जो भी विकास के कार्य हों, चाहे वो कोई भी जनप्रतिनिधि है, जब वो बाकी भी जो समस्याएं हैं उनका हल लोगों को वो हम जवाबदेह के बात करते हैं। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और हमारा दल जो है, जो हमारा स्वराज अभियान जो हमारा एक कार्यक्रम चल रहा था, वो हम लोग दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चला था भ्रष्टाचार के विरुद्ध, और जन लोकपाल की बात हुई थी अन्ना हजारे के टाइम। तो हमारा जो दल है निकला हुआ दल है, तो हम हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार को बिल्कुल ख़त्म करने की बात करते हैं। अब हम हिमाचल के संदर्भ में आते हैं। कमेटी का गठन हुआ है जिसमें हमारे 15 कार्यकारिणी सदस्य, हमारा जो चमन राकेश आचरा जी हैं शिमला से वो हमारे अध्यक्ष हैं, मैं डॉक्टर अशोक कुमार सोमल यहाँ का जनरल सेक्रेटरी हूँ स्वराज इंडिया का हिमाचल प्रदेश का। तो हम आज की तारीख में जो हमारे प्रदेश की समस्याएं हैं, विशेषकर बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे 9 से 10 लाख युवा जो हैं बूढ़े हैं, सड़कों की हालत अच्छी नहीं है, शिक्षा का स्तर बड़ा डाउन है, जहाँ कहीं धड़ाधड़ जो शिक्षा के इंस्टीट्यूट खुले हैं उसमें वहाँ बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो शिक्षा का ढांचा चरमरा रहा है, सड़कें जो हैं आज खस्ता हालत में हैं, जो है बहुत बड़ी है, स्वच्छ पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आज हालात ये हैं कि हर तीसरा व्यक्ति जो है टाइफाइड से पीड़ित है, उसका कारण है कि लोगों को स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। अस्पतालों की भी बहुत बुरी हालत है, ये सरकार जो है धड़ाधड़ जो है इंस्टीट्यूशन को खोलती जा रही है, डॉक्टर पूरे नहीं मिल पा रहे हैं, मरीजों को पूरी सुविधा नहीं मिल रही है। तो हमारा जो दल है हम एक विकल्प के रूप में, कांग्रेस का विकल्प के रूप में उभरने की बात करते हैं। हम ईमानदार लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार जो है उसको हम उजागर करने की बात कर रहे हैं। हमने ये दृष्ट हैं, जैसे पीछे भी हमारी बात हुई थी, हमारे यहाँ RTI एक्ट को पंगु बना दिया है हिमाचल सरकार ने, एक मजाक बना दिया RTI एक्ट को, कि जब कोई आप उनसे RTI के एक्ट के तहत कोई सूचना मांगे तो बोलते हैं वर्षवार बाईपासिंग करते हैं, वो कोई भी सूचना जो है देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उस सूचना से सरकार की जो है एक्सपोज होती है, सरकार का भ्रष्टाचार एक्सपोज होता है, तो वो उसको टाल मटोल करते हैं। सुपर प्लस उसको हम अभी तैयारी कर रहे हैं लगाने के लिए, छोड़ दिया हुआ है। अगर आप 15 साल का सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आप 20 साल के एक ही पोस्ट पे या एक ही अप्लीकेशन में वापस देने पड़े, कहते हैं ईयर वाइज सब्जेक्ट वाइज, तो ये तो एक एक पॉइंट को भी सब्जेक्ट मानते हैं। जैसे मैंने टांडा में लगाया था 15 पॉइंट, बोलते 15 एप्लीकेशन लग से थे, इंडिया पार्टी का गठन हुआ है जिसके अध्यक्ष जोगिंदर यादव जी हैं। आज हिमाचल प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन जो हुआ है उसके बारे में प्रेस वार्ता की गई, इसमें हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष हैं चमन राकेश आचरा जी, महासचिव हैं डॉक्टर अशोक कुमार सोमल। हिमाचल प्रदेश में भी हमारा जो दल है वो एक विकल्प के रूप में उभर रहा है,
हम भाजपा और कांग्रेस की जो पॉलिसीज हैं उसका हम विरोध करते हैं। ये सरकारें रोज़गार उपलब्ध कराने में बिल्कुल विफल हुई हैं, भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त है हर विभाग में है, और आज की डेट में सड़कों का बुरा हाल है, पीने के पानी की सुविधाएं सुचारू रूप से नहीं हैं। हम लोगों को लामबंद कर रहे हैं और हम लोगों से बात कर रहे हैं कि पहले तो वो स्वराज इंडिया का यदि कोई प्रत्याशी आने वाले इलेक्शन में खड़ा है तो उसका सहयोग करें, नहीं तो एक ईमानदार व्यक्ति जो इलाके की बेहतरी कर सके, अच्छा लोगों को नेतृत्व दे सके, वो हम लोगों से आह्वान कर रहे हैं। इसके लिए जो है आज का जो है प्रेस वार्ता हमारे यहाँ रखी गई।